क्योंकि मुझे बताया गया कि 40,000 से अधिक गांव में लगातार प्रशिक्षण देते रहे और लोगों का भागीदारी बढ़ाते रहे। तो इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का साथ, उनकी सहयोगी मंत्री, सांसद और विधायक और जनता को, और साथ साथ में रामचंद्र मिशन की परम पूजनीय दाजी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक भारत सरकार के हर मंत्रालय, हर विभाग इस कार्यक्रम को पिछले बार से अधिक जन भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने कार्यक्रम रचना की है। देश और दुनिया में आज इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का हमने काम की है, और आज विश्व स्तर पर ओशन रिंग यानी कि 5 महासागर को जोड़ा जाएगा, और साथ साथ में नॉर्थ पोल साउथ पोल को भी जोड़ा जाएगा, और इस आर्कटिक और एंटार्कटिका जो प्राइम मेरिडियन के आसपास बसे हुए 40 से अधिक देश इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, और हमारे ये ओशन रिंग को सफल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और साउथ पोल नॉर्थ पोल में सफल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आयुष का साथ जुड़ा हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज भी इस कार्यक्रम में भाग ली है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही दुनिया में आज युग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने जो भी दिशा दी है, जो भी मार्गदर्शन दी है, इसके लिए आज दुनिया में हर देश में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर देश के नागरिक उत्साहित है, और आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। जहां से योग का आंदोलन परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने शुरू की थी आज से 9 साल पहले यूएन जनरल असेंबली से, और उसी कार्यक्रम को आज 9 साल के बाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूएन हेडक्वार्टर में आज योग अभ्यास करेंगे, योग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और साथ में 180 से अधिक देश भाग लेंगे। ये हमारे लिए बड़े उपलब्धि का बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व को नेतृत्व दी है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इसलिए हम सब एक साथ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, हृदय से बार बार धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमें आज हमारे पुरानी जो हिंदुस्तान की प्राचीन विज्ञान का जो शक्ति है, आज मानव समाज ने इस शक्ति को स्वीकार की है, और अपने शरीर मन को संतुलित करने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए और आनंदित होने के लिए आज उनकी जीवन धारा में योग को शामिल किया है। आज देश में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मंत्रालय की द्वारा, राज्य सरकार के सहयोग के जरिए और जनता के जरिए हम लोगों ने कार्यक्रम रचना की है। योग भारत माला, योग सागर माला को सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, सारे मंत्रालय एक साथ जुड़े हुए हैं, और साथ साथ में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर ग्राम प्रधान को चिट्ठी लिखा है और सबको आग्रह किया है कि हर ग्राम में योग डेमोन्स्ट्रेशन करे, और हमारे आंगनबाड़ी सेंटर हो, हमारे जो भी कॉमन सर्विसेज सेंटर हो 2 लाख से अधिक और 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और साथ साथ में अमृत सरोवर में भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनता इस कार्यक्रम में भाग ले। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश के अंदर जो माहौल बने हैं, दुनिया में जो माहौल बनी है, ये स्पष्ट है। यूएनओ की एक साल में जितना भी कार्यक्रम होते हैं, अगर आप तुलना करें, सबसे लोकप्रिय अगर कहीं कार्यक्रम है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इसलिए हम यही सहेंगे कि हमारी नई पीढ़ी वो इस कार्यक्रम में भाग ले और अपने जीवन को बड़े खूबसूरत से सजाए, और मानव समाज में शांति, सद्भावना और इंसानियत की भावना शक्ति को बढ़ावा दे। इसी शब्दों का साथ मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि इस बार हमारे
इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। इसलिए दुनिया के मानव समाज को प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है हमको एक साथ मिलकर रहना है, इसलिए हमारी जीवन को हम खूबसूरत से सजाएं और साथ साथ में प्रकृति को भी बसाएं। इसलिए प्रकृति प्राणी, जैसे हम सबको मालूम है प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा, तो इसलिए प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। तो साथ साथ में मैं ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे नई पीढ़ी इस कार्यक्रम में अधिक भाग लेने के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से एक प्रतियोगिता हम लोगों ने आयोजन की है, योगा माई ब्राइट माई गॉव प्लेटफॉर्म में आप अपनी योगासना की फोटोग्राफ को अपलोड कीजिए और एक कैप्शन दीजिए। इसमें हम लोगों ने पुरस्कार पहला दूसरा और तीसरा पुरस्कार भी तय किया है। पहला पुरस्कार राष्ट्रीय लेवल पर 1,00,000, दूसरा पुरस्कार 75,000, तीसरा पुरस्कार 50,000 और इंटरनेशनल लेवल पर पहला पुरस्कार होगा 1,000 pounds, सेकेंड पुरस्कार होगा 750 pounds और थर्ड पुरस्कार होगा 500 डॉलर $500। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में हमारे नई पीढ़ी भाग ले, योगासना को महत्व दे, बढ़वा दे और अपने जीवन को खूबसूरत से सजाए, सफल बनाए, आनंदित रहे। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमारे आमंत्रण स्वीकार किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए आज आप जबलपुर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में माननीय राज्यपाल महोदय को भी, मुख्यमंत्री महोदय के भी, और हमारे मध्य प्रदेश से जो भी प्रतिनिधि हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। राज्य सरकार की मंत्रिमंडलों को धन्यवाद देता हूँ, संसद को और विधायक को, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। और साथ साथ में विशेष रूप से दाजी की नेतृत्व में जो भी हमारे रामचंद्र मिशन ने काम किया है मध्य प्रदेश में, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब सुखी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंदित रहिए और समाज को बड़े इंसानियत की भावना शक्ति से मजबूत बनाए मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। जय हिंद। मनः उपाय, मन को नियंत्रित करके शांत रखने का उपाय ही योग है। प्रगति का उत्कर्ष और जन जन में हर्ष की छवि अगर देखनी हो तो मध्य प्रदेश राज्य इसका सुंदर उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जनता के प्रति पूर्ण सेवा की भावना ने मध्य प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। हम विनम्र अनुनय करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी से कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। बोलिए भारत माता की। आज पूरा विश्व योगमय है, एक बार मां की वंदना जोर से हो जाए। भारत माता की। संस्कार धानी में आज हम सबके सौभाग्य से योग के इस मुख्य कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, हमारे कर्मठ और यशस्वी गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, जो देश की जनता की जिंदगी में आनंद ला रहे हैं, ऐसे आयुष मंत्री आदरणीय सर्वानंद सोनेवाल जी, भाई फग्गन सिंह गुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंजू पारा जी, हमारे आयुष मंत्री भाई रामकिशोर कावरे जी, और आज जिनको मैं आदर से प्रणाम कर रहा हूं,
श्रद्धेय कमलेश पटेल दाजी जी, श्री रामचंद्र मिशन के प्रमुख। रामचंद्र मिशन ने जन अभियान परिषद के साथ मिलकर दाजी के नेतृत्व में 40,136 गांव में योग की ट्रेनिंग दी है। उनका एक बार धन्यवाद कीजिए तालियां बजा के। हमारे खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान वीडी शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान राकेश सिंह जी यहां उपस्थित, और प्रदेश भर में सुन रहे सभी बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज जबलपुर योगमय, मध्य प्रदेश योगमय, देश योगमय है, और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया है। भारत आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आज अमेरिका में योग का नेतृत्व कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भारत की यह विधा जो विश्व के कल्याण के लिए, उसको दुनिया के जन जन के मन में पहुंचाया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। भारत का आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से संदेश है। अयम निजम पराबेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और जैसा भी कह रहे थे सर्वानंद जी, दुनिया में केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा भी दुनिया में है। इसलिए मनुष्य मात्र तो एक परिवार है ही। वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु। लेकिन भारत ने तो कहा है प्राणियों में सद्भावना हो, बुराइयों का अंत हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये भारत का मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने कहा, केवल हमारा नहीं विश्व का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन कल्याण की पहली शर्त है, पहला सुख निरोगी काया। अब बताइए बीमार आदमी स्वस्थ सुखी रह सकता है क्या? कभी मैं पूछ रहा हूं, सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अगर सुखी रहना तो पहली शर्त है निरोग रहना, और निरोग रहने के लिए योग से बड़ा साधन और दुनिया में कोई नहीं है। निरोग रहने के लिए योग। आज महर्षि पतंजलि जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। अष्टांग योग जिन्होंने विश्व को दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आज हम आसन प्राणायाम ध्यान करेंगे, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, केवल योग दिवस पे नहीं करना है, रोज करना है। जरा बताएं रोज कौन कौन योग करते हैं, हाथ उठाएं, ईमानदारी से बताना। अब नीचे करें, अब ईमानदारी से भी बताना है, अब रोज कौन कौन योग करेंगे। अब थोड़े ज्यादा हाथ उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रोज योग करते हैं, ये 24 में से 20-20 घंटे काम कर लेते हैं, और मैं भी रोज योग करता हूं। हम सबको रोज योग करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता।
जब प्रधानमंत्री को टाइम मिल सकता है तो प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी तो आप नहीं हो। इसे ठीक से काम करने के लिए समय निकालो ना। मध्य प्रदेश का हमने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाए स्वस्थ रहने के लिए। योग कोई संकीर्ण चीज नहीं है। योग का भी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में होना है। योग का किसी पंथ से भी संबंध नहीं। मित्रों हम संकल्प लेंगे आज तो योग करेंगे ही, लेकिन रोज योग करेंगे, क्योंकि बीमार रहना ये अपने साथ भी अन्याय है। और फिर हम काम नहीं करते तो हमारी ऊर्जा जो देश के विकास पर लगना चाहिए वो भी नहीं लगती। हम खुद पे भी बोझ बनते हैं और हम माफ कीजिएगा हम देश पे भी बोझ बन जाते हैं बीमार होके। तो स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। अस्पतालों में भीड़ काय को लगाएं, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद कि उन्होंने पूरे विश्व को योगमय कर दिया। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और संस्कार धानी वालों की धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उज्जवल विकसित स्वर्णिम समृद्ध मध्य प्रदेश, जय जय मध्य प्रदेश, जय हो मध्य प्रदेश। अब हमारी सादर अनुनय है माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी आपसे की कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको आज के दिन शुभकामनाएं दें। सभी को जोर से बोलना है, भारत माता की। अरे इतना आवाज कैसे चलेगा? भारत माता की वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री धनखड़ साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय आयुष्य विभाग के मंत्री श्री सर्वानंद जी, फगन कुलस्ते जी, महेंद्र भाई मुंजपुरा, प्रहलाद पटेल जी, राज्य के मंत्री राम किशोर कावरे जी, सांसद श्री वी डी शर्मा जी, मान्य योगा संस्कृति का प्रमाण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जन स्वास्थ्य का वो वैश्विक आंदोलन है जो योग रूपी हमारी बहुमूल्य विरासत को दुनिया द्वारा अपनाए जाने का उत्सव है। योग के लाभों का जश्न मनाने का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसी धर्म संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, मानवता के कल्याण के लिए है, क्योंकि योग सिद्धांतों पर आधारित प्रयोग और अनुभव से विकसित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि योग से कर्म में कुशलता आती है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जो हमारे आत्मा को भी निर्मल बनाता है। योगाभ्यास स्वास्थ्य के योगिक सिद्धांत वेलनेस को मजबूत कर तनाव का बेहतर तरीके से प्रबंध करने में व्यक्ति को सक्षम बनाकर योग प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार द्वारा बीमारियों के खिलाफ एक निवारक उपाय पूरे रूप में काम करता है। हमने देखा है कि सदी की घातक
महामारी कोविड से उबरने की कोशिशों में भी योग अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने कोई जानकारी से योग की उपयोगिता को दुनिया भर में नई पहचान मिली है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान दौर चुनौतियों का है, आपके सामने भविष्य की चुनौतियां है, करियर का चयन है, इसके लिए आपको योगा के साथ अपना खोराक भी सात्विक होना चाहिए। बहुत तैली पदार्थ मत खाओ, बहुत तीखा मत खाओ। आज के बच्चे में क्रेज है, जहां भी होटल में जाओ तो पिज्जा खाते हैं और साथ में थम्सअप की बोतल भी रखनी पड़ती है, क्योंकि पचाने में बहुत तकलीफ रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ योगा के साथ सात्विक खुराक भी आवश्यक है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन और विचारों की एकाग्रता और कैरियर चयन में योगा अभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकेगा। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूं कि आज सारी जभी दुनिया में योगा अभ्यास हो रहा है और जीवन में 63 दिन अपने योगा करे और तंदुरुस्त रहे, इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी और उपराष्ट्रपति का बार बार मैं आभार और स्वागत करके मेरी बात पूरी करता हूं। आभार, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी। भारतवासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुरातन भारत का उपहार विश्व को प्रदान किया योग के रूप में। आज भारत माता का मस्तक गर्व के मुकुट से जगमगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। वे योग के साधक हैं, विश्व बंधुत्व के अनुरागी हैं। वे 135 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास हैं। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। नमस्कार, आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा, और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में
योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के दो रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के दो ध्रुव ही योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महत्व को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतत् इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा और वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से व्यायाम से हमें स्वास्थ्य आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है
जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जन जीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम्, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। युग पुरुष वही सारे समाज का होता है, युग पुरुष वही सारे समाज का होता है जो सबके मन का अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। कोटिशः आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज ये मंच माननीय उपराष्ट्रपति जी की अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति से दैदीप्यमान है।
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपके आशीर्वाद के लिए हम सब बेहद आतुर हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अपने नाम के अनुरूप अपनी ख्याति दर्शाते हुए माननीय केंद्र मंत्री आयुष विभाग श्री सर्व आनंद सोनोवाल जी, पद्म भूषण रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष श्रद्धेय दाजी कमलेश पटेल जी, उनकी गरिमाई उपस्थिति और कार्य शक्ति का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। राज्य और केंद्र के मंत्रीगण, जबलपुर के सांसद श्री राकेश सिंह जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, लोकसभा सांसद श्री वीडी शर्मा जी, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को सुप्रभात। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन मां नर्मदा के तट पर रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक भूमि पर आकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं, अभिभूत हूं। प्रदेश में कल आगमन पर मां नर्मदा महाआरती में सम्मिलित होकर नर्मदा स्वच्छता संकल्प लिया और माननीय मंत्री जी के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको आज योग पर पूरा समर्पण का संकल्प लेना चाहिए। योग एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। भेड़ाघाट क्षेत्र में बंदर कूदनी और धुआंधार के बीच से मध्य प्रदेश की संस्कारधानी से मैं अपने देश के भाइयों और विश्व समुदाय से विश्व एकता के प्रतीक योग को अपनाने का आह्वान करता हूं। यह दिवस विश्व बंधुत्व का संदेश दिवस है। हमारी सांस्कृतिक सोच वसुदेव कुटुंबक को परिलक्षित करता है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय सांस्कृतिक विचार का जो जबरदस्त गहराई है उसको दर्शाती है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि हमारी साझा आकांक्षाओं का अर्थात वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का प्रतीक है। और जब विश्व में भारत एक ख्याति प्राप्त कर रहा है G20 की अध्यक्षता के माध्यम से, G20 की थीम भी यही है। हजारों साल से
योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर विचार व कर्म संयम व उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूल रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण के का समग्र दृष्टिकोण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर को इतना कहने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने कहा और विश्व का आह्वान किया, आई कोट, आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें, अनकोट।